ये रिश्ता क्या कहलाता है, हर पग यूंगी तू मिला के रखना, खुशियों की दी जला के रखना, तेरा साया बन के चलना है मुझे, मेरा साया बन के तू भी चलना। हेलो, हाय नैतिक जी, आनंद बोल रहा हूँ। अभी अभी दिल्ली से वापस आया तो पता चला कि आपके सनी लॉ का एक्सीडेंट हो गया है। सो सॉरी, सिटी हॉस्पिटल में है ना वो, किसी भी तरह की जरूरत हो तो प्लीज बताइएगा। जी जी, मैं समझा नहीं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। कार्तिक गोयनका की कार का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जैसे ही पता चला वैसे ही मैंने आपको फोन किया। पापा क्या हुआ? मामा जी क्या हुआ? पापा ना बता बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ पापा? कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। आखिर आपने बताया क्यों नहीं? वो तो अच्छा हुआ कि कमिश्नर आनंद पापा के दोस्त हैं, उन्हें जैसे ही पता चला उन्होंने हमें बता दिया, लेकिन आपने क्यों नहीं बताया? कैसे बताते नैतिक जी, जैसे हमें पता चला हम फौरन चले आए, होशी कहाँ किसे कुछ बताने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो है ना? क्या हुआ इंस्पेक्टर? कार्तिक गोयनका जिस हालत में पाए गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल तक लाते लाते डॉक्टर्स ने बताया कि आपका बेटा कोमा में चला गया है। चोटें बहुत ज्यादा लगी हैं और सभी जगह पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। जब वो हमें मिले बेहोश थे, यहाँ पे लाने से पहले ही कोमा में चले गए। बेटा नहीं, कार्तिक नहीं है ये कार्तिक है ही नहीं। Are you sure? 100% sure। अरे मेरा बेटा, नैतिक जी अखिलेश देखो ना। हाँ भाई साहब, ये कार्तिक नहीं है। लेकिन जब मैं आपको सामान दिखाने के लिए लाया था, घड़ी और पर्स, तो आपने कहा था कि ये आपके बेटे का है। सामान तो उसी का है, लेकिन ये मेरा बेटा कार्तिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट ही नहीं, कुछ और भी। मैं इन्फॉर्म करता हूँ। कार्तिक ठीक होगा। I hope so। उसने शायद कार्तिक की जेब काट ली हो या उसे हाईवे पे लूट लिया हो। उसे कुछ नहीं होगा मनीष जी, आप चिंता मत करिए।
देखिए, अभी अभी हमने अपनी पेट्रोलिंग टीम से बात की, वही लोग इसे यहाँ लेकर आए और उन्होंने बताया कि जिस जगह कार का एक्सीडेंट हुआ उस जगह पर सिर्फ यही एक व्यक्ति मिला। हो सकता है कि इसने उन्हें पहले उतार दिया हो या फिर वो अपनी मर्जी से उतर गए हों। हमें तो ये केस रॉबरी का लग रहा है। सामान आपके बेटे का है और मिला इसकी जेब से है। हमारी टीम जांच कर रही है, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। वैसे अभी मैं वहीं के लिए निकल रहा था। हम भी आपके साथ चलें? जी सर, हम आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज। हाँ, बल्कि शायद हम आपकी मदद कर सके। ओके, चलिए। अभी अभी फोन आया था, कह रहे थे टाइम लगेगा। एक्सीडेंट वाली जगह पे गए कार्तिक को ढूंढने। हे भगवान, मेरा बेटा चाचा दायरा दायरा के को। अब संभालिए अपने आप को भाभी माँ। आप प्लीज शांत हो जाइए, आप कुछ नहीं होगा कार्तिक को। मेरी बात सुन, नायरा बेटा सुन, कार्तिक यहाँ नहीं है। वो है, कार्तिक वो घर पे नहीं आया। देखो वो घर नहीं आया, पर वो ठीक है, वो ठीक है। हमारी बात हुई थी उसे। बेटा वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। नहीं है कार्तिक, नायरा नायरा सुन मेरी बात सुन, चुप कार्तिक चुप, एकदम चुप हो जा और अब मेरी बात ध्यान से सुन। कार्तिक को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। नायरा वो जो एक्सीडेंट विक्टिम था ना, वो कार्तिक नहीं कोई और है। मेरा कार्तिक, हम इसे किसी को भी नहीं पता, लेकिन सब ढूंढ रहे उसे, पुलिस भी ढूंढ रही है। तो टेंशन मत ले, कार्तिक ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ओके सकता है, मेरी शक्ल देखने से मना कर सकता है, लेकिन इस सजा का हकदार ना हो। मुझे मेरा कार्तिक वापस चाहिए। कार्तिक का कुछ पता चला? हमने आसपास हर जगह देख ली, कुछ पता नहीं चला। एक्सीडेंट के वक्त कार में वही आदमी था जिसे हमने हॉस्पिटल पहुंचाया था। तो मेरा बेटा कहाँ गया? सर आप घबराइए मत, आपके बेटे को हम लोग ढूंढ लेंगे। इन्हें इनका काम करने दीजिए। आप लोग इस तरफ जाइए और आप लोग इस तरफ जाइए। आप सही कह रहे हैं, हम भी आपकी हेल्प करते हैं। हम दो लोग एक एक तरफ जाकर पूछताछ करते हैं। पापा कमो, चलिए चलिए, आइए मेरे साथ, आइए सर, आइए मेरे साथ। नायरा को होश आया भी होगा। क्यों है नायरा? नायरा कहाँ है? नायरा कैसी है वो? तुम्हारी नायरा आ रही है तुम्हारे पास कार्तिक। कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। आज तीज है, तुम्हारे लिए व्रत रखा है मैंने। आज के दिन भगवान भी हमारे साथ है। मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है कि आप लोग ऐसे नाव में क्यों हो रहे हैं। आप लोगों को याद है ना कि जिस दिन कार्तिक को नायरा की शादी थी, उस दिन कार्तिक रेत के तूफान में खो गया था और नायरा ही उसे लेकर आई थी, और अभी भी वही होगा भावना।
हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं ना कि हमारे बच्चे सही सलामत वापस लौट आए। और देखिएगा, मुझे अपनी नायरा पर पूरा भरोसा है कि वो अपने कार्तिक को लेकर वापस जरूर आएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है।